अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ इबादत जी, अभी तक तो आप बहुत बोल रही थी, अब एकदम से चुप हो गई। अरे आपको अपनी सफाई में कुछ कहना भी है कि नहीं कहना है? ऐसे चुप रहेंगी तो अदालत का समय बर्बाद हो जाएगा भाई। ये कुछ बोलने लायक बची हो तो बोलेगी ना। योर ऑनर, अभी अभी आपने कहा कि अधूरे सबूत पेश करने के जुर्म में सुभान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, पर आपने सुभान को जेल में अंदर क्यों नहीं किया? वार्निंग समझती हैं, चेतावनी, मैं इनको वही वार्निंग दे रहा था, ठीक है ना? योर ऑनर, इन वीडियोस में मैं भी वही कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। योर ऑनर, आप सुभान को वार्निंग दे रहे थे, उसी तरह मैं भी मन्नत को सिर्फ वार्निंग दे रही थी। मैंने अपने शौहर के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया था योर ऑनर, और ये लड़की बार बार सुभान को मेरा बनाया हुआ खाना खाने से रोक रही थी। प्लेट रखो। प्लेट छोड़ो। दो दो तुम। योर ऑनर, मैंने मन्नत का गला दबाया नहीं था, मैंने उसका गला पकड़ा था ताकि उससे मेरे गुस्से का अंदाजा हो और वो मेरे शौहर के करीब ना जाए। वो बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर के करीब जाती है, मुझसे ज्यादा मेरे शौहर का ख्याल रखने की कोशिश करती है। आप बताइए, कोई भी बीवी क्या करेगी? उसे फूलों से नहलाएगी? नहीं, बीवी वार करेगी, मारेगी। मैंने भी वही किया योर ऑनर, और अगर मैंने इसका गला दबाया होता तो इसके गले पे मेरे नाखून के निशान होते, मेरी उंगलियों के निशान होते। आप देखिए, देखिए मेरे नाखून कितने बड़े हैं, और इसके गले पे कोई निशान नहीं है। इबादत जी, फिर भी आपका किया जस्टिफाई तो नहीं हो जाता ना? आपने जो कुछ भी इस लड़की के साथ किया वो गलत था। और इस लड़की ने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही है? इसने मेरे शौहर को बहकाया, बार बार बीवी से ज्यादा बीवी बनने की कोशिश करती है ये। मेरे सामने मेरे शौहर के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। हर दिन मैं अपने सामने अपनी गृहस्थी को उजड़ता हुआ देखती हूँ योर ऑनर, क्या ये सब सही है? मैं जानती हूँ योर ऑनर, जो मैंने किया वो गलत है, पर मेरी जगह कोई और होता ना योर ऑनर, तो वो भी यही करता। इनफैक्ट मेरी जगह कोई और होता तो इसे मार देता। मैंने तो इसे जिंदा छोड़ दिया। एक हिंदुस्तानी बीवी हूँ सर, अपने शौहर के गले में किसी गैर की बाहें देख लूं और चुप रहूं? कहां से लाऊं वो निगाहें जो ये कहर देख सके? क्यों ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत इसके पास है नहीं। ये सिर्फ हम सबका टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इसकी बात मान भी लेते हैं, तो इससे पूछिए इसने मन्नत को जलाने की कोशिश क्यों की? इबादत जी प्लीज, क्योंकि इस बात पे ना सफाई पेश करने का मौका देना भी ना गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, वो भी खतरनाक वाला। चलिए ठीक है, आपकी कथा व्यथा सब सुन ली, सुभान जी ने जो तथ्य दिए वो भी देख लिया गया, सारे तर्क वितर्क भी सुन लिए गए, तो अब आप सब लोग कान खोलकर हमारा फैसला सुनेंगे।
जज साहब। अब ये क्या करने वाली है? जज साहब, आपने वो वीडियो देखा जिसमें मैं बेड पे आग लगा रही हूँ, पर इससे पहले का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कौन सा वीडियो दिखाएगी इबादत? अब क्या करने वाली है ये? मुझे लगता है कि मेरा जिंदा रहना इसकी मौत की वजह बनेगा। मैं इस व्रत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इस औरत की जान ले कर आऊंगी। छोड़ हाथ, पैसे पागल मत बनिया। तेरी जान ले लूंगी, हट जा। जब तक ये औरत मरेगी नहीं ना, मेरे अंदर की इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, किसी ने देख लिया तो कयामत। मेरी बात सुनिए, हम इसे इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं? आप अपनी ही उसूलों से कैसे पीछे हट सकती है? हमने आने का बहुत इंतजार किया है और अब जब हम आ चुके हैं तो आप हमारी मेहनत को जाया मत कीजिए प्लीज। आप अपनी ही दी हुई सीख कैसे भूल सकती है? आपने ही सिखाया था ना, दुश्मन को तड़पता हुआ जिंदा देखने में जो मजा आया वो मारने में नहीं। आपने ही कहा था ना, जज्बात में बहकर फैसला नहीं लेना चाहिए, सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए और फिर दुश्मन को ऐसा जख्म देना चाहिए जो ना उसे जीने दे और ना ही मरने दे। भूलिए मत, हमारा मकसद सिर्फ इस औरत को खत्म करना नहीं है बल्कि इसके पूरे खानदान को बर्बाद करना है, इसे खून के आंसू रुलाना है, हमारे हक की दौलत इससे छीनना है। शाबाश, आज तुमने मुझे रोककर मेरी तरबियत का कर्ज उतार दिया। सही कह रही हो तुम, मैं इस औरत को इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ? मैं इसे और इसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इसे इसे होश आ रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।